इतिहासक मेले दे विच इक भयानक हादसा होया जिस दे नाल तीन श्रद्धालुआं दी मौके ते मौत हो गई, सत दे करीब जख्मी होए ने जिन्हां नूं हॉस्पिटल दे विच भर्ती करवाया गया। दस दिए कि झरने दे हेठां इशनान करदे सी जदों उपरों लैंडस्लाइड हुई तां पत्थर ने जिहड़े इन्हां श्रद्धालुआं दे लगे जिस दे नाल तीन दी मौत हो गई जिन्हां दे विचों दो पंजाब दे नाल संबंधित सन। दस दिए कि उन्हां दे मौड़ दे विच मौड़ी मेला लगता है। यह श्रद्धालु इत्थे भारी वड्डी मात्रा दे विच पहुंचे हुए सी, ज्यों ही झरने दे थले इशनान करन लगे तां उपरों लैंडस्लाइड हो गई, पत्थर थले डिग पए और इशनान करदे इन्हां श्रद्धालुआं दे उपर डिगे जिस दे नाल तीन दी मौके ते मौत हो गई, सत जख्मी होए ने जिन्हां नूं हॉस्पिटल दे विच भर्ती करवाया गया। दूजे पासे प्रशासन दे वल्लों इस हादसे नूं लैके ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਝਰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈੜੀ ਮੇਲਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਪਰ ਸਵੇਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 4:45 ਵਜੇ पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से 9 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए थे। उन्हें तुरंत मौका पर तैनात पुलिस ने रेस्क्यू किया, एवैक्यूएट किया और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें CSC अम्ब भेजा गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 7 लोग जो हैं वो खतरे से बाहर हैं और उपचार के दौरान 2 श्रद्धालुओं की जो मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियातन अभी चरण गंगा पर स्नान में आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि वो अभी यहाँ पर इस एरिया में ना आए और जैसे ही कोई प्रशासन की तरफ से कोई इसमें आदेश दिया जाएगा तो श्रद्धालुओं को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। श्रद्धालु आ सकते हैं परंतु वो जो स्नान वाला एरिया है वहाँ से आने के लिए वहाँ पर ना आए और जो मंदिर है वहाँ पर वो अपने दर्शन कर सकते हैं। तो मेरी ये अभी श्रद्धालुओं से ये अपील रहेगी कि एहतियातन जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र को पुलिस प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है।